रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेकी क्या होती है, व्हाट इज रेकी। जी हाँ दोस्तों, रेकी एक ऐसी विद्या, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर जिसकी मदद से आप अपनी हर समस्या को दूर कर सकते हैं। चाहे आपकी समस्या फिजिकल बॉडी की हो, शरीर की कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई मेंटल हो, इमोशनल समस्या हो, या जिसको हम साइकिक समस्या या हम कह सकते हैं बॉडी की, माइंड की, सोल की, कोई भी समस्या रेकी के माध्यम से दूर हो सकती है। आखिर ये रेकी है क्या दोस्तों? वैसे तो जितने भी रेकी मास्टर से पूछा जाए, सबके अपने अपने तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के, मगर आज मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ रेकी क्या है। दोस्तों, कहा जाता है रेकी जापानीज थेरेपी है। जी हाँ दोस्तों, रेकी जापानीज थेरेपी है, मगर इसकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जापान में रेकी 1899 में आई, आज से महज 120 साल पहले। मगर रेकी उससे पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी होगी। हमारे जितने भी संत महात्मा, ऋषि मुनि, उनके पास हजारों सालों से एक विद्या है, जिस विद्या का वो इस्तेमाल करते हैं और वो किसी को छूते हैं और सामने वाला ठीक हो जाता है। ऐसे ही कुछ संतों का नाम मैं आज बताने वाला हूँ आपको। जैसे बात करें साईं बाबा की, गौतम बुद्धा जी की, महावीर जी की, नानक देव जी की, या हम बात करें ईसा मसीह जी की, कबीर जी की, नामदेव महाराज, मदर टेरेसा, और इसी तरह हजारों संत महात्मा हजारों सालों से हमारी धरती पे आए, उन्होंने इसी प्रकार की एक विद्या का इस्तेमाल किया और मात्र लोगों को छूकर या आशीर्वाद देके उनका भला किया, लोगों की जो समस्याएं थी, जो दुख थे, उनको दूर किया। दोस्तों, रेकी को जापान में आए तो लगभग 120 साल हुए हैं, मगर रेकी भारत से बिलोंग करती है हजारों सालों से। हजारों सालों से भारत के संत महात्मा, ऋषि मुनि लोग इस विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर किसी कारणवश, किसी वजह से वो इस विद्या को हमें सिखा नहीं पाए। जब वो अपने समय पे इस विद्या का इस्तेमाल करते थे, तो या तो वो हमें ये विद्या सिखा नहीं पाए किसी वजह से, या हम लोग इस लायक नहीं थे कि हम उस विद्या को ग्रहण कर पाते, उसको सीख पाते, उसका इस्तेमाल कर पाते। इसी वजह से ये विद्या उन सभी संतों के साथ लुप्त होती गई। उन संतों महात्माओं ने इस विद्या का खुद तो बहुत इस्तेमाल किया लोगों के भले के लिए, मगर उस विद्या को आगे बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, या वो आगे कन्वर्ट नहीं हुई आगे। इस वजह से वो विद्या धीरे धीरे लुप्त होती गई और इस विद्या को काफ़ी समय के बाद जापनीज लोगों ने डिस्कवर किया, जिसको हम कह सकते हैं रीडिस्कवर किया। दोबारा उन्होंने इस बारे में रिसर्च की, एनालाइज किया, वो पूरी दुनिया में गए और उन्होंने इस विद्या का पता लगाया कि वो कौन सी विद्या है जो हमारे धर्म ग्रंथों में, जो बाइबल में लिखा हुआ है कि मात्र छू के किसी को ठीक किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम एक मात्र जीसस की बात करें, तो जीसस के साथ तो ऐसा होता था कि जीसस किसी को छुए वो तो ठीक हो जाता था, या मरे हुए लोग भी ठीक हो जाते थे, मगर कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं जहाँ लोगों ने जीसस को छुआ या सिर्फ उनके कपड़ों को छुआ और वो लोग ठीक हो गए।
ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे संत महात्मा हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए कि उन्होंने मरे हुए इंसान को छुआ और वो ठीक हो गए। दोस्तों, यही ईश्वरीय शक्ति हम सभी के अंदर है, विद्यमान है, मगर सोई हुई है। उस शक्ति को आप भी जान सकते हो, सीख सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। मात्र कुछ ही घंटों के अंदर आप उसकी दीक्षा प्राप्त कर सकते हो और आप भी किसी को छूकर या अपने परिवार को छूकर ठीक कर सकते हो। दोस्तों, एक ऐसी विद्या, इतनी सिंपल और इतनी आसान विद्या कि कोई बच्चा भी उसको सीख के इस्तेमाल कर सकता है। और ये कोई बाहरी विद्या नहीं है, ये आपकी विद्या है, आपके अंदर की शक्ति है, बस आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान को स्विमिंग करनी आती है और एक इंसान को स्विमिंग करनी नहीं आती, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों बिल्कुल समान है, उनके अंदर एक विद्या है जो सोई हुई है, जो उन्हें जागृत नहीं की, जो उन्हें सीखी नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, तो वो नहीं कर पा रहे। इसी तरह रई की शक्ति है, हमारे अंदर है, हमें थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत है, उस शक्तिपात की ज़रूरत है। ये सोई हुई शक्ति जागृत होगी और हमारा, आपका, सबका भला करेगी। दोस्तों, हमारे सेंटर में रीकी की क्लासेस चल रही हैं, जिसको आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, घर में बैठे सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। और हमारे सेंटर की खास बात यह है, हम 33 से ज़्यादा ऐसी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं जो कोई नहीं देता पूरे हिंदुस्तान में। दोस्तों, हमारे बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, उन 33 सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं जो हम देते हैं, जैसे लाइफ टाइम रिपीटेशन देते हैं, बैकअप सपोर्ट देते हैं, हेल्प करते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं, हेल्पलाइन नंबर देते हैं, यूट्यूब सपोर्ट देते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट देते हैं, आपको सर्टिफिकेट और फ्री हीलिंग्स मिलती है, इस तरह के बहुत सारे सर्विस आपको मिलती है, जिसके बारे में आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट के द्वारा www.adhyatmikvikasmission.com। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके आप हमें सपोर्ट करें। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर्स फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आपको इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर ऑल दबाएँ, ताकि लगातार इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद।